सूटकेस वगैरह पड़ा है, नीचे कपड़े पड़े हुए हैं। मैं यहाँ पर एक बंगले पे ड्यूटी करता हूँ और ड्यूटी करते करते जो है ना ये सारी वीडियोस आप लोग के लिए बनाता हूँ ताकि भाई। अस्सलाम वालेकुम यार, दिस इज़ माय 100th वीडियो, यानी कि ये मेरी एक सेंचुरी हो गई है वीडियो की और मेरी 100 वीडियोस मुकम्मल हो गई हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ कुछ शेयर किया जाए, कुछ मेरा कि मैं कैसे वीडियो शूट करता हूँ, क्या क्या करता हूँ, मेरे पास क्या क्या सामान है, मेरा सेटअप कैसा है, यू नो मैं कितना 100 वीडियो आखिर मैंने बनाई है, मेरे पास क्या कुछ है मैं आप लोग को दिखाता हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास जो है ना वो आप लोग ये देखो, ये देखो यहाँ पर कुर्सी रखता हूँ मैं, इस जगह पे यहाँ कुर्सी रख के ये मैंने ऐसे ग्रीन कपड़ा कल ही बांधा है, उससे पहले ये कपड़ा भी नहीं था, मैंने ऐसे ग्रीन कपड़ा बांधा, मैंने कहा शायद VFX का कोई इफेक्ट आ जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना इस पर VFX का कोई इफेक्ट आ रहा, क्योंकि वो लाइटिंग इतनी पड़ रही है और मैंने पावर डायरेक्टर भी मैं परचेज़ नहीं कर सकता इतनी मतलब। और उसके अलावा ये देखें, मैं इधर से दिखाता हूँ, यहाँ से सही नज़र आएगा, ये देखें ये एक ट्राईपॉड मैंने लिया था Draz.com से, 700 रुपये का ये ट्राईपॉड मिला, इसके ज़रिए जो है मैं वीडियोस शूट करता हूँ अपनी। और उसके अलावा मैं आप लोग को दिखाऊंगा मेरे कमरे में और क्या है, ये ऊपर एक कैबिनेट है, ये स्विच लगा हुआ है, यहाँ पर मैं बैठा हूँ, ये मेरी चारपाई, यहाँ पर मैं सोता हूँ। और यार देखो, वीडियो बनाने के लिए कॉन्फिडेंट चाहिए होता है, जो कि मुझे लगता है मेरे अंदर कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। देखो बाकी अभी तक मेरे ना सब्सक्राइबर्स हैं ना मेरे व्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि 100+ वीडियोज़ हो गई हैं यार, ईजी नहीं होता। आप लोग 2-3 वीडियो बना लो, आप लोगों को पता चल जाएगा कितना मुश्किल होता है, इसीलिए मैं जो करता हूँ। और उसके अलावा नीचे जो है मेरा सूटकेस वगैरह पड़ा है, नीचे कपड़े पड़े हुए हैं, मैं यहाँ पर एक बंगले पे ड्यूटी करता हूँ और ड्यूटी करते करते जो है ना ये सारी वीडियोस आप लोग के लिए बनाता हूँ ताकि भाई क्या पता यूट्यूब में, मैं इतनी मोटिवेशनल वीडियोस देखता हूँ कि भाई यूँ हो जाएगा, यूट्यूब पॉपुलर हो जाएंगे, आप यूट्यूब पर पैसा कमाने लगते हैं। मैंने कहा यार पैसा कमाए ना कमाए, चलो टाइम पास मज़े तो हो जाए, क्या पता अल्लाह जो चाहे हो सकता है, क्या पता हम भी हिट हो जाएँ कभी यूट्यूब पर, कभी हम लोग को भी व्यूज़ मिल जाएँ, कभी हम लोग को भी सब्सक्राइबर्स मिल जाएँ। क्योंकि ये देखिए Draz.com से मंगाया था मैंने 700 रुपये का सिर्फ ये खर्चा किया, और ये जो एक माइक है ये इसकी क्वालिटी मुझे सही डिसेंट लगी है, यानी कि बोया की तरह तो नहीं है, बोया जो है वो इससे भी ज़रा ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है। ये सोनी का माइक है, 800 रुपये 900 रुपये का माइक आ जाता है, ये बेहतरीन माइक है, इससे अभी तक अच्छी क्वालिटी में वीडियो वगैरह रिकॉर्ड हो जाती हैं। और इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो भी आप लोग को पता ही है, ये आप अभी सुन रहे हैं ना इसी साउंड क्वालिटी पर आ रहा है। तो यार देखो, वीडियो बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, कुछ भी नहीं चाहिए होता आपको। अभी मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ, मैं नॉर्मली जो अपने क्रिकेट की वीडियोस बनाता हूँ वो भी इसी तरीके से फ्रंट कैमरे से होती हैं। तो आज की क्रिकेट की वीडियो नहीं है आज से, बस आप लोग के यही है कि भाई प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि भाई आप लोग लवली हो। मुझे मेरे पास सब्सक्राइबर्स नहीं है फ़िलहाल, मेरे पास व्यूज़ नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हो मेरे लिए आप कुछ हो। और मैंने एक गोल रखा है अपना कि मैं 1000 वीडियोस डालूंगा, फिर देखता हूँ 1000 वीडियो के बाद मेरे कितने व्यूज़ आते हैं, कितने सब्सक्राइबर्स होते हैं। और ये 100 वीडियोस मेरी कंप्लीट हो गई हैं, इसके बाद जो भी वीडियोस आएंगी वो भी इंशाल्लाह क्रिकेट से रिलेटेड होंगी। फिर जब 200 हो जाएंगी तो उस पर भी एक मैं स्पेशल जो है वीडियो बनाऊंगा कि मैंने क्या क्या जो है इंक्रीज़ किया है। मेरा नाम है मोहम्मद दयानत, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।